निशब्द हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मैं श्री कृष्ण जी से साक्षात बात कर रहा हूँ। महाअष्टमी का महाभोग, बहुत ज्यादा अंदर भीड़ हो रही है, एकदम क्राउडेड है। मुझे नहीं पता था आज का दिन मेरे लिए इतना विशेष होने वाला है। हमारी दुर्गा पूजा को 60 वर्ष हो चुके हैं। सभी कमेटी के सदस्यों ने जी जान लगा दी है पूजा को संपन्न कराने में, उनमें से मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। व्यस्तता के चलते कभी ठीक से नींद आ रही थी, कभी नहीं। अचानक मेरी आँख खुलती है और मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, 9 बज चुके हैं, उठने का समय हो गया। अपना चश्मा पहनकर मैं भूमि माँ को प्रणाम करके उठ जाता हूँ। पूजा का परिवेश था और घर के स्पीकर में महालय बज रहा था। विश्व जननी शारद श्री विमंडिता प्रतिभा मंदिर मंदिरे ध्यान बोधिता। आज महाअष्टमी का दिन है। हमारी दुर्गा पूजा में ये दिन सबसे विशेष होता है। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि हमारी दुर्गा माँ भी कितनी जागृत है। इतने वर्षों में कितने ही विघ्न आए हैं, पर हमारी दुर्गा पूजा कभी रुकी नहीं माँ की कृपा से। मेरे पिताजी का फोन आता है, श्री सर्वदमन बनर्जी जी का आगमन हुआ है हमारी दुर्गा पूजा में। बस उनका इतना कहते ही मैं समझ गया, साक्षात श्री कृष्ण जी हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में पधारे हैं। मैं तुरंत फोन काट कर चल पड़ा पूजा बाड़ी की तरफ। वैसे तो इन महान कलाकार का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है मुझे, फिर भी आज का युवक जिससे हमारे देश और संस्कृति से जुड़ सके, इसलिए इनका छोटा सा परिचय मैं दे ही देता हूँ। आप समझ ही चुके हैं मैं किस महान व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। इन्होंने दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक कृष्णा में श्री कृष्णा जी का अभिनय करके सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। इन्होंने हिंदी, बंगाली, तेलुगु जैसी कई भाषाओं में अभिनय किया है। इसी के साथ 1983 में आदि शंकराचार्य और विवेकानंद जैसी नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीत चुकी है इनकी की हुई फिल्में। महान कलाकार और महान व्यक्तित्व के धनी श्री सर्वदमन डी बनर्जी से कुछ इस प्रकार मिलना हो जाएगा, मैंने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने पिताजी को जल्दी से कैमरा थमाकर इस पल को कैमरे में कैद कर लेने को कहा। सच मानो तो मैं निशब्द हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मैं श्री कृष्ण जी से साक्षात बात कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। साथ में अलंकृता मैम के पंख फाउंडेशन द्वारा मुफ्त शिक्षा, गरीब बच्चों और समाज की महिलाओं से जुड़ी सामाजिक कार्यों से जुड़ाव के विषय में भी कई बार सुन चुका था मैं। सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पुराने बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबका कोऑपरेशन है, तो हर साल ऐसे ही मेहनत करके पूजा कर। सही बात है, बिल्कुल। अब समय आ गया था महाअष्टमी के महाप्रसाद का। हमारे प्रसाद से पहले माँ को भोग अर्पण करना बहुत जरूरी होता है।
हमारे मुख्य अतिथि एसडी बैनर्जी सर छोटे बच्चों के कार्यक्रमों को बड़े ही उत्साह से देख रहे थे। ये है महाअष्टमी का महाभोग, बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ हो रही है, एकदम क्राउडेड है। गोभी की सब्जी, पकोड़े, बेगुनी बोलते हैं इसको, और खीर, स्पेशल खीर, पायस बोलते हैं हमारे बंगाल में, वो खीर अल्टीमेट खीर बने, बादाम, काजू, पिस्ता सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर। पनीर की सब्जी है, पूरिया है अलग से। तो अंदर का माहौल तो बड़ा गर्म हो रखा है। जॉन तो बोलते जलर बड़ो समस्या है काकू ओ दिखे बोरे आनते हो ना बार बार नवमी की रात को एसडी बैनर्जी सर का सभी के साथ दोबारा पूजा पंडाल में आगमन हुआ। मानो माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो उनको दोबारा देखने। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम सर। फाटक में सर आ रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अभी जस्ट। सर्वधवन सर जो श्री कृष्णा में कृष्ण का रोल प्ले करते थे वो आ चुके हैं, ए ग्रेट पर्सनैलिटी। इनकी प्रस्तुति बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। पूरी टीम यहाँ पर आ गई है। छाव डांस, पूरी टीम का छाव डांस स्टार्ट होने वाला है। इनके बीच में गैलरी में जो भी भीड़ इकट्ठी है गैलरी को बुला रहा हूँ। एगिरी नंदनी आप लोग छाव डांस स्टार्ट होने वाला है, तो सारे कलाकार लोग आ चुके हैं बंगाल से, छाव डांस करेंगे बहुत जबरदस्त। देखो नहीं करे वो देखते ही स्माइल पास करते। देखो भैया की बेटी कितनी क्यूट है, एकदम डॉल जैसी, देखती स्माइल पास कर रही है। सभी आप कृष्णा के दर्शन करिए। मैं गौरव लहा अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आदम नेहरू को स्टेज पर लाने का कष्ट करें। अभी चले जाइए ना, ना अरे कोनो व्यापारी ना। मैं